दोस्तों, क्वार्टर थ्री रिजल्ट की श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी देंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस करती है। दोस्तों, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसी कंपनी में निवेश करूं जहां पे मेरे वैल्यूएशंस बढ़ते जाए, मुझे मल्टी ईयर रैली मिले, मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड मिले, बढ़ते जाए, तो दोस्तों उसके लिए बड़ा जरूरी है ऐसी कंपनी में पैसे लगाना जो कंपनी जो इंडस्ट्री से डील करती है वहां पे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। दोस्तों, इंडस्ट्री बड़ी बनेगी, इंडस्ट्री एक्सपांड होगी, साथ में मेरी कंपनी बड़ी बनती है। दोस्तों, कंपनी के पास अगर कुछ खास है जिससे उसका मार्केट शेयर बना रहे तो मेरी कंपनी को लॉन्ग टर्म में बड़ा लाभ होता है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सुधरती है। दोस्तों दोस्तों ऐसी कंपनी आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इरडा, क्या वो है? चलिए दोस्तों, हम इरडा के बारे में आज जानकारी लेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। राइट, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हम इरडा की बेसिक जानकारी के साथ। इरडा है क्या? ये इंडिया की सबसे बड़ी प्योर से ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है। दोस्तों, करीबन 36 साल का अनुभव इनके पास कॉम्प्रिहेंसिव सूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट की है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। दोस्तों इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस आरबीआई से दिया गया है। ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। इसका दोस्तों 75% स्टेक सरकार के पास है। मिनी रत्न इनको ऑलरेडी खिताब दिया गया है। दोस्तों AAA रेटेड स्टेबल दोस्तों इनका क्रेडिट रेटिंग हुआ। ये ध्यान रखें दोस्तों, जब भी कोई फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करे, फाइनेंस कंपनियों को सबसे बड़ा खर्चा होता है खुद फाइनेंस। क्यों? क्योंकि उन्हें फंड कहीं से लाना होता है। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी के क्रेडिट रेटिंग अच्छे नहीं होंगे तो जो फंड आप लाओगे वो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा, महंगा देना पड़ेगा। नहीं दोगे, आपके मार्जिन कम रहेंगे। अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हो जिसका क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है, दोस्तों खुद का फंड सोर्स सस्ता होता है, मार्जिन दोस्तों ऐसी कंपनियों के अच्छे होते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों आपकी कंपनी के क्रेडिट रेटिंग AAA स्टेबल है, जो कि दोस्तों शानदार है। राइट, तो इरडा ऑलरेडी जैसा हमने देखा दोस्तों, यस, अच्छा डेटा है इनका। अगर हम इनका माइलस्टोन देखें, कुछ की चीजें इसमें ध्यान रखें, तो 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तरह। दोस्तों 1997 में दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ इनका लोन अग्रीमेंट साइन हुआ लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए। $100 मिलियन की क्रेडिट दोस्तों इनको मिली। दोस्तों फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2017 में इन्होंने ग्रीन मसाला बॉन्ड लिस्ट की। दोस्तों ये लिस्ट होते हैं दोस्तों फंड लेने के लिए, फंड सोर्स करने के लिए। राइट, और जस्ट पिछले साल 2022 हम देखें तो दोस्तों इक्विटी इन्फ्यूशन सरकार ने किया 1500 करोड़ का। राइट, जिससे और फाइनेंसिंग ये लोग कर पाए। 2023 में दोस्तों जस्ट ये लोग अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं एनएससी बीएसई दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर। अभी इन्होंने रिटेल डिवीजन लॉन्च किया दोस्तों, टारगेट पीएम कुसुम, जहां पे ये रूफटॉप सोलर में डील करेंगे। दोस्तों पीएम कुसुम यानी बेसिकली ये एग्रीकल्चर किसानों के लिए है दोस्तों, जहां पे खेतों में ये सोलर का उपयोग करना कर पाए किसान लोग और उनको लोन दे सके एरडा। राइट फ्रेंड्स, तो दिस वर रिसेंट सम डेवलपमेंट। दोस्तों जैसा हमने पहले बताया कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सूट है इनके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो आप देख सकते हो इरडा किस प्रोडक्ट और सर्विस में डील करती है। ट्रेडिशनली रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग डील करते हैं, जैसे सोलर, हाइड्रो ट्रांसमिशन, विंड पावर, एनर्जी एफिशिएंट एंड कन्वर्जेशन। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग इंफ्रा, फ्यूल सेल वगैरह वगैरह। दोस्तों इन पूरे सेगमेंट के लिए इनके पास जो प्रोडक्ट है ऑफर करने को वो क्या है? ये लोग प्रोजेक्ट टर्म लोन देते, रिफाइनेंसिंग करते हैं दोस्तों। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड सेगमेंट है उसमें ये
अलग अलग प्रकार से दोस्तों फाइनेंस से करते हैं। इनको इनकम किधर से होती है? रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियों को फाइनेंस करके। ऑलराइट, सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ कैसा रहेगा, कितने ग्रोथ की मैं उम्मीद करूं। दोस्तों सबसे पहले यहां पे जो डेटा है ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग एनवायरमेंट का है। आप देख सकते हो 2019 में 2839 गीगावाट की पूरे वर्ल्ड की दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थी। ये बढ़ते बढ़ते अभी 4140 गीगावाट पहुंच चुकी है। 500 प्लस गीगावाट का एडिशन तो जस्ट रिसेंटली पिछले साल ही हुआ है। दोस्तों यहां पे रोबस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। हाउ, व्हाई? बिकॉज इट इज एनेबल्ड बाय एम्बिशियस प्लेजेस एंड रिकॉर्ड हाई कैपेसिटी एडिशन। दोस्तों 2030 तक ये उम्मीद है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 11,000 गीगावाट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, करंट जो कैपेसिटी है उससे 3 गुना। 100 से ज्यादा देश ने दोस्तों प्लेज लिया हुआ है कि हम हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 3 गुना करेंगे। इन डेटा के आधार पे हम ये कह सकते हैं दोस्तों, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन, ये जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा रिन्यूएबल की ओर, 2030 तक $35 ट्रिलियन चाहिए। यस दोस्तों, भारत का टोटल जीडीपी का 10 गुना रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए दुनिया। आप दूसरे तौर पे ये भी कह सकते हो कि चाइना और यूएस की जीडीपी कंबाइंड करे तो करीबन इतना दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमें ये पूरे ट्रांजिशन में चाहिए। तो ह्यूज फाइनेंस की जरूर रिन्यूएबल एनर्जी को पड़ेगी। इसके साथ अगर हम इंडिया का भी डेटा देखें दोस्तों, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंशियल एनवायरमेंट क्या कहता है, 2019 में दोस्तों 131 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगाई हुई है भारत ने। अभी का हाल देखें दोस्तों तो हमारी कैपेसिटी 181 पहुंच चुकी है। राइट, दिस इज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन गीगावाट, कितना? 181 गीगावाट। तो पिछले साल दोस्तों 8% कैपेसिटी हमारी इंक्रीज। टारगेट है दोस्तों भारत का 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट का दोस्तों उत्पादन करेंगे। तो सीधी बात है दोस्तों कि भारत में भी बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी रिन्यूएबल फाइनेंसिंग में। राइट, तो फाइनेंसिंग तो बढ़ना है पर रिन्यूएबल फाइनेंसिंग में ज्यादा ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली दोस्तों एज अ इन्वेस्टर मुझे रिन्यूएबल फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। देखो फाइनेंस हर जगह होता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, राइट, फाइनेंस रिटेल में होता है, रिटेल फाइनेंस भी एक अच्छा ग्रोथ की जगह है पर रिन्यूएबल फाइनेंस उन सबसे ज्यादा है। आपने दोस्तों IRFC में क्यों इतना ग्रोथ देखा? दोस्तों IPO आया तब भी हमने बताया था कि रेल में पूरा यूटर्न देखने वाले हो दोस्तों। जितना ज्यादा रेल में ग्रोथ होगा उतना रेलवे में फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आपके IRFC को फायदा हुआ, अभी भी होने वाला है दोस्तों, बढ़िया ग्रोथ हमको रेल फाइनेंस में दिखेगा। सिमिलर वे में दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमको आने वाले दशक पूरा ग्रोथ दिखने वाला है। तो ऐसी कंपनी में बने रहे जहां पे ग्रोथ होना है। राइट दोस्तों, मैंने यहां पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ। पहले ये लाइन देख लीजिएगा दोस्तों, AUM की है, कितना फाइनेंस किया है इरडा ने अब तक का। 2021 में दोस्तों 28,000 करोड़ का इनका AUM था, इनकी लोन बुक आप समझ लो। जितना ये लोन देंगे उतनी तो इनके पास इंटरेस्ट इनकम आएगी, राइट, तो इनकी AUM 28,000 करोड़ की थी तो ये रेवेन्यू 2700 करोड़ का कर पाते थे दोस्तों। यही रेवेन्यू 2017 में 1300 करोड़ की थी, 1300 करोड़ की रेवेन्यू 2600 करोड़ हुई तो सीधी बात है AUM भी इनका डबल हुआ होगा। रेवेन्यू बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े दोस्तों, इनके जो प्रॉफिट है 2021 में 347 करोड़ के थे जो 2017 में खाली 200 करोड़ के थे, राइट। जैसे जैसे समय बीता दोस्तों 28,000 करोड़ का AUM बढ़ के 34,000 करोड़ हुआ और 2023 में 47,000 करोड़ की इनकी लोन बुक हो गई।
47,000 करोड़ की एयूएम, तो सीधा मतलब है दोस्तों रेवेन्यू 2700 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ हुआ। प्रॉफिट जो ये 347 करोड़ करते थे 865 करोड़ पहुंचे। और मार्जिन आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी के कंसिस्टेंट, हमें जनरली ज्यादातर साल डबल डिजिट में दोस्तों ग्रोथ मिला है, राइट। तो इस समय तक हम कह सकते हैं कंपनी की इक्विटी 785 करोड़ थी, पर मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार ने 2022 में 1500 करोड़ नया फंड इन्फ्यूज किया, तो इक्विटी कितनी हो गई इनकी, मेन इक्विटी 2285 करोड़ की, राइट। 2285 करोड़ की इक्विटी इनकी प्री आईपीओ थी, राइट। ये पूरा डेटा जो मैंने आपको बताया, दिस इज प्री आईपीओ डेटा। रिजर्व कंपनी का जो 1600 करोड़ का था, ये बढ़ते बढ़ते 3600 करोड़ पहुंचा। क्यों पहुंचा? फंड इन्फ्यूशन भी, पर उसके साथ कंपनी ने प्रॉफिट भी तो किए हैं, तो प्रॉफिट्स के कारण दोस्तों रिजर्व कंपनी का बढ़ा। अब एक चीज ध्यान रखिए, आप जो कंपनी में पैसा लगाते हो वो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, तो आपको डिविडेंड अर्निंग होती है। कंपनी के मार्जिन अच्छे हो दोस्तों, कंपनी मैच्योरिटी लेवल पे आती है, डिविडेंड बढ़ते रहते ज्यादा हो। इसके साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों आपके रिजर्व को बढ़ाती है। रिजर्व यानी ये कंपनी के लिए हुआ रिजर्व, आपके लिए एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर हुई है बुक वैल्यू। तो दोस्तों मेरी बुक वैल्यू बढ़ती रहे तो मेरे शेयर का दाम भी बढ़ता रहे। आप एनपीएस देख सकते हो दोस्तों, इनके एनपीए 8 से 3% की रेंज में रहते हैं। दोस्तों सीधी बात है, जो रिटेल फाइनेंस में डील करती है कंपनियां, उतने जित उनके जैसे बढ़िया एनपीए नहीं होते, इनके एनपीए थोड़े ज्यादा होते, क्योंकि इनके कस्टमर लिमिटेड होते हैं, ये B2B ज्यादा डील करते हैं। रिटेल फाइनेंस की कंपनी आपकी B2C डील करती है, राइट। सो ये अब तक का पास्ट है। अब आपको क्या लगता है, रिन्यूएबल फाइनेंसिंग जैसे ग्रो करेगा तो ये एवीएम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जबरदस्त ग्रोथ हमको दिखना चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड अभी डाला है, अभी क्या चल रहा है दोस्तों। पिछले साल 2023 में हमने 22% का सेल्स देखा था, 36% के प्रॉफिट देखे थे, मार्जिन इनके 24.8 थे, राइट। अब तक का ट्रेंड ये था। H1 के जब नतीजे आए दोस्तों, ये नतीजे कंपनी ने कब डिक्लेयर किए थे, आईपीओ के समय, जब आईपीओ आया आरएचपी में ये नतीजे दिए हुए थे। तो दिस ईयर, ये साल क्या चल रहा है, तो मैं देखूंगा 47% से ये साल धंधे ऑलरेडी बढ़ रहे थे, प्रॉफिट 41% से बढ़ रहे थे। दोस्तों प्रॉफिट कम इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि ये साल इंटरेस्ट रेट हाई वाला साल, राइट। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हैं दोस्तों, ऐसे में मार्जिन कम होते हैं। आपकी कंपनी के मार्जिन 25 है, जीएनपीए ग्रॉस एनपीए डिक्रीज होके 3% आए होंगे। अब दोस्तों Q3 के रिजल्ट जस्ट अभी रिसेंटली आए, तो जब H1 में, H1 यानी 6 महीने में दूसरे 3 महीने मिले, Q1 Q2 में Q3 मिला, तो 9 महीने जब मिले तो रिजल्ट क्या बन के आया, मैंने यहाँ पे रिजल्ट डाला हुआ है दोस्तों। इन लेटेस्ट 9 month रिजल्ट यू कैन सी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि एयूएम अभी भी बढ़िया है। ये साल 9 महीने बीत चुके हैं, एयूएम 33% से बढ़ा, हाउ मच, 33%, सो दैट्स ग्रेट। धंधा 46% से बढ़ा है, प्रॉफिट 50% से बढ़े हैं, क्योंकि कॉस्ट भी 48% से बढ़े हैं। कॉस्ट क्यों बढ़े हैं? इंटरेस्ट रेट हाई है दोस्तों, मार्जिन 46% से बढ़े। ध्यान से देखो दोस्तों, प्रॉफिट 50% से बढ़े, ईपीएस 50% से नहीं बढ़े, ईपीएस 46% से बढ़े। क्यों? क्योंकि आईपीओ के समय इक्विटी थोड़ी इंक्रीज हुई, तो इसकी इफेक्ट ईपीएस पे पड़ती है, राइट। मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, पर दोस्तों ये दूसरे कारणों से है, राइट। जरूरी नहीं है कि ये मार्जिन बरकरार रहे, एनपीए डिक्रीज हुई है 130 बेसिस पॉइंट से, ये गुड न्यूज है, राइट। यहाँ पे जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया दोस्तों, इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है, आप देख सकते हो 98% ऑफ द कॉस्ट, जैसे इन्होंने इस साल 3500 करोड़ कॉस्ट में, सॉरी 2300 करोड़ का खर्चा किया, उसमें सबसे बड़ा खर्चा क्या है दोस्तों, फाइनेंस यानी
फंड सोर्स करना दोस्तों इनका सबसे बड़ा खर्चा होता है, वो बढ़ता है। फंड सोर्स जो रेट पे इनको पैसा मिलते हैं वो बढ़ता है दोस्तों, इनके मार्जिन डिक्रीज होते हैं, राइट। तो इन डेटा के आधार पे अब मैं क्या उम्मीद करूंगा, मैंने यहाँ पे मेरा एस्टिमेट डाला है, गलत हो सही हो आप मेरे को बता, राइट। देखो 47-46% से धंधे बढ़ रहे हैं, मैंने कंजर्वेटिव स्टांस ली है, चलो 40% से तो धंधे इस साल बढ़ेंगे, ये कंजर्वेटिव उम्मीद तो हम रख सकते हैं कि नहीं, राइट। अब प्रॉफिट 50% से ऑलरेडी बढ़े हुए, 9 महीने बीत गए, खाली 3 महीने बाकी, तो मुझे नहीं लगता है कि 40 या 44% से कम प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो ये साल धंधे 40% से बढ़ेंगे, प्रॉफिट 44% से बढ़ेंगे, राइट। इन डेटा के आधार पे क्या उम्मीद मैंने रखी है दोस्तों फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, 30% से एवीएम बढ़े मेरी उम्मीद है, मैंने ऑलरेडी बताया 40% से धंधे, 44% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। सो कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा वन कैन बी दोस्तों, इस साल की मेरी उम्मीद है कि इरडा एक बेंचमार्क एयूएम पे पहुंचेगी, जी इनकी लोन बुक 50,000 करोड़ के बेंचमार्क को पार करके 61,000 करोड़ पहुंचेगी, सेल्स 4875 करोड़, यस 5,000 करोड़ के करीब इनका धंधा पहुंचेगा, 1200 करोड़ का हम प्रॉफिट देखेंगे, हम ईपीएस 5.3 का देखेंगे। इसके हिसाब से फेयर वैल्यूएशन भी 80 रुपीज होती है, 80 रुपया इनका वैल्यूएशन, राइट। जैसे समय बढ़ेगा दोस्तों आने वाले समय में, मैंने एक कंजर्वेटिव स्टांस लिया, देखो 20% से तो धंधा और प्रॉफिट बढ़ना है, उम्मीद हम 25 की भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर डीलिंग इन इमर्जिंग इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी, पर बिल्कुल छोटा सोचे कंजर्वेटिव देखे तो भी 20% ग्रोथ तो दोस्तों मिलना है, 20% ग्रोथ के हिसाब से यही दशक में 2030 आते आते मैं एयूएम दोस्तों करीबन 2,00,000 करोड़ पहुंचता हुआ देखूंगा दोस्तों, धंधा 15,000 करोड़ के करीब पहुंचेगा, प्रॉफिट 3,000, ईपीएस 13 और मेरी मेरी फेयर वैल्यू 200 रुपए के करीब पहुंचेगी। तो यस दोस्तों मैं उम्मीद रख सकता हूं आने वाले समय में एयूएम बढ़ता जाए, धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे और कंपनी ने कभी लॉसेस किए नहीं है, तो यस आने वाले पूरे समय में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद करूं दोस्तों। नेगेटिव चीज भी ध्यान में रखें, जैसे इनका सबसे बड़ा खर्चा फाइनेंस है, राइट। अब ये लोग जो फाइनेंसिंग लेते हैं इनके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ सोर्सेज क्या है इनके, देख सकते हो दोस्तों अगर 41,000 करोड़ का इनका बोरोइंग है तो इसमें सबसे बड़ा बोरोइंग तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्होंने ली गई लोन है 17,000 करोड़ की, टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं और फॉरेन करेंसी सोर्सिंग भी करीबन 10,000 करोड़ का दोस्तों इनका है। तो ये जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग है ये थोड़ा हैरान करता है जब डॉलर अप्रिशिएट करता है, क्योंकि डॉलर के अप्रिशिएशन से इनको जो पेमेंट करना है तो डॉलर में करना है, तो ऐसे केस में मार्जिन गिरते हैं, हमने पास्ट में भी REC PFC में ऐसा होता देखा है। तो डॉलर का बढ़ना, ये ऐसी फाइनेंस कंपनी जो फॉरेन करेंसी में बड़ी लोन लेती है उनके लिए एक रिस्क होता है, हालांकि ये हेज करते हैं, इन्होंने लिखा है हेज एक्सपोजर ऑफ फॉरेंसी बोरिंग ऑफ 79%, पर कोई भी चीज 100% हेज नहीं होती है दोस्तों, विकट परिस्थिति में दोस्तों हेजिंग होने के बावजूद भी मार्जिन दोस्तों आपके गिरते हैं, राइट। तो ये हुआ एक सोर्स दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि भाई कंपनी बोरोइंग लेती है तो ये है एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, आप देख सकते हो 7.68% पिछले साल थे, ये साल बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी क्यों, क्योंकि 7.82% क्यों हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई। अब इनको यील्ड कितनी मिलती है दोस्तों, ये अपनी स्प्रेड रखते हैं, बीच का मार्जिन इनका होता है, ये 2022 में 9.82% की इनकी यील्ड हुआ करती थी दोस्तों, 9.82% की, राइट। जो 9.87% की आज इनको यील्ड हो रही है, यील्ड इनको ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो ये भी कह सकते हैं भी हमको महंगा लोन मिल रहा है तो हम उसको भी महंगा देंगे, लेकिन स्प्रेड फिर भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड नहीं होती है,
अब इंटरेस्ट रेट देखो, पिछले साल इनको स्प्रेड 2.14 मिलता था, अभी इनको इंटरेस्ट रेट खाली 2.5 मिलता है, मतलब 9 बेसिस पॉइंट का फर्क इनके मार्जिन को गिराता है दोस्तों। यही चीज इनको अकेले को नहीं दोस्तों, दूसरी फिनांस कंपनी और बैंक्स के भी ये लागू होता है, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं जनरली जो समय इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाए वो समय बैंक फिनांस कंपनियों के लिए बराबर नहीं है, ऐसे समय में उनके मार्जिन डिक्रीज होते हैं दोस्तों, राइट? दोस्तों ये बैलेंस शीट का डेटा आपके सामने है, जो मैंने बताया 2685 करोड़ का इनका इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व में 5500 करोड़ इनके है दोस्तों। बोरोइंग इन्होंने कितनी ली हुई है और कितना दोस्तों इन्होंने लोन दिया हुआ है, 41701 करोड़। और दोस्तों ये कौन सी चीज हुई, 41701 जो इन्होंने फंड लिया हुआ है दोस्तों, ये लेके इन्होंने क्या किया आप देख सकते हो, लोन दी है करीबन 50,000 करोड़ की, जिसपे से इनको इनकम आती है। जो हमने इनकम देखी वो किधर से जनरेट होती है, उधर से जनरेट होती है, बराबर है दोस्तों। एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो इनका कंपोजिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन है दोस्तों, वो 21% पब्लिक कंपनीज के पास है और 79% प्राइवेट कंपनीज के पास, ये दोस्तों थोड़ी सेफ्टी बढ़ाता है। आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने डाइवर्सिफाइड पूरी अपनी लोन बुक बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह पे फोकस किया है और वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये लोग फंसे दोस्तों। वेल डाइवर्सिफाइड है जो कंपनी को स्टेबिलिटी दे सकता है। इसी प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन इनका रीजनल में भी है, आप देख सकते हो जो एकदम डार्क ब्लू है वो जगह है जहां पे इनका दोस्तों 5 करीबन दोस्तों स्टेट्स विद मोर देन 5% शेयर इन ग्रोस लोन पोर्टफोलियो, राइट? जैसे राजस्थान हो गया 17%, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी के भी वो स्टेट है उनका वहां पे भी फंडिंग है पर वो लेस देन 5% है। तो वेल अगर डाइवर्सिफाइड होगा तो भी दोस्तों सेफ्टी रहती है कंपनी की, राइट? दोस्तों कोई एक रीजन में प्रॉब्लम आने पे ये प्रॉब्लम में नहीं फंसते दोस्तों। ये इनका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैंने पहले ही बताया 75% गवर्नमेंट का स्टेक है, बाकी जो 25% बचा इसमें अब धीमे धीमे म्यूचुअल फंड FII अपनी पकड़ बनाएगा। अभी FII खाली 1.88% है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज मिलके 4-5% है, राइट? बाकी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स काफी हद तक है, पर होता क्या है जैसे धीमे धीमे समय बीतता है दोस्तों इनके हाथ से माल निकल के FII और म्यूचुअल फंड के हाथ में आता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो उनके पास पेशेंस नहीं होता है, 2 महीना चला नहीं शेयर, 2 साल चला नहीं कि सब निकल जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी भूल जाते हैं कि भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छा होना है दोस्तों। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग ध्यान रखें कि बुरे समय में एक्यूमुलेट करें और क्वांटिटी बढ़ाए ताकि लॉन्ग टर्म स्टोरी का पूरा दोस्तों आप लोग फायदा उठा पाओ, राइट? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों आपको वैल्यूएशन दिए हुए, जैसे पिछले साल का EPS 3.78 था, ट्रेल EPS अभी इनका मिलेगा नहीं क्योंकि 4 क्वार्टर के EPS नहीं है, पर मैंने फॉरवर्ड EPS दिया है। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, साल खत्म होते 5.30 का EPS बनेगा, 28 का PE हुआ दोस्तों, ये सस्ता नहीं हुआ, राइट? सस्ता नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को 15 का पी उनके लिए बराबर है, तो ये दौड़ा बहुत है, पी इनका बड़ा बहुत है। क्यों बड़ा है लेकिन दोस्तों, ग्रोथ के कारण, ये ग्रोथ इनको बैलेंस करता है। 46-50% का ग्रोथ होगा तो यार 30 का पी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? ऐसे ग्रोथ को ध्यान में रख के बराबर है दोस्तों, ग्रोथ जब तक रहेगा सस्टेन, तगड़ा ग्रोथ रहेगा, पी यानी वैल्यूएशन भी इसको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। एज ए इन्वेस्टर में क्या करूं दोस्तों, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई भी शेयर दोस्तों सीधी रेखा में नहीं चलता है, अभी ये चल रहा है, चलो टारगेट हमारा 207 का है, आएगा, लेकिन 207 से पहले भी दोस्तों आपको इसमें फॉल दिखाई देंगे, कहीं भी फॉल आप देखते हो दोस्तों तो लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें, ₹80 के फेयर वैल्यू को ध्यान में रखें, बाय ड्यूरिंग फॉल सो दैट यू कैन एंजॉय दी रैली, राइट फ्रेंड्स? सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड दोस्तों, जरूर एक अच्छी कंपनी हुई, वेटेज हम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? सो आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी दोस्तों, धन्यवाद एंड जय हिंद।